नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए कुछ प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स इस वीडियो के संदर्भ में अच्छा रहा तो उससे आगे के एपिसोडों में 30 प्रश्नों का सेट लाया जाएगा। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं देश में कोरोना की स्थिति। दोस्तों, देश में अब तक कुल दर्ज कोरोना के मामलों की संख्या 4,10,000 पहुंच गई है और अब तक जो एक्टिव केस हैं 1,69,451 है और 2,27,755 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं और कुल मृत्यु की जो संख्या है वो 13,254 है। तो दोस्तों, ये रहा देश में कोरोना का अपडेट। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग जो बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी अच्छा रहने वाला है जो किसी भी एग्जाम में भाग लेते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आता है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया? हु ऑफ द फ्लोइंग एक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर बी एन राव ने काम किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी बारे में। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि प्रारूप समिति में एकमात्र शामिल मुस्लिम सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों, शुरू शुरू में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत में हुआ था, किंतु विभाजन के बाद यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। बाद में अंबेडकर बंबई क्षेत्र से पुनः निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ साथ वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगर बी एन राव के बारे में और अधिक बात की जाए तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो थे ही, इसके साथ साथ उन्होंने बर्मा के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये आईसीएस अधिकारी थे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा की बैठक का उद्घाटन हुआ था तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के पीछे जो सिद्धांत था वह इनके बुजुर्ग होने का सिद्धांत था। तो इस प्रकार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए का 1 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हाउ मेनी पार्ट्स हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन डिवाइडेड? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन डी है 22। दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग मूल रूप से थे। दोस्तों, ये प्रश्न बीएचयू में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कौन सी स्थिति थी, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में दोस्तों क्या स्थिति है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 464 अनुच्छेद दिया है, तो वो मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद, उनके सब सेक्शन जो हैं, जैसे 4A हो गया, इस तरह के जो सेक्शन बनाए गए हैं उसको भी वो शामिल करते हुए 464 बताया है। इस तरह जो है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट्स बी इम्पीच्ड? आर्टिकल 356, आर्टिकल 75,
आर्टिकल 76, आर्टिकल 61। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रक्रिया के बारे में बताता है कि क्या प्रक्रिया होगी महाभियोग का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। अगर आर्टिकल 76 की बात करें दोस्तों, 76 की बात करें, तो आर्टिकल 76 जो है ये भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है जो भारत में अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था करता है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है दोस्तों? वह केंद्र सरकार का वकील होता है और भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और अगर राज्य स्तर पर बात की जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 165 जो है वह एडवोकेट जनरल की बात करता है, यानी कि राज्य स्तर पे जो राज्य सरकार होती है उसके कानूनी सहायता के लिए एक वकील की व्यवस्था की गई है जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है ऑफ स्टेट। आर्टिकल अगर 75 की बात की जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 75 का जो आर्टिकल है सबसेक्शन 1 है वह कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसी तरह 2, 3, 4 इस तरह के खंड बनाए गए हैं। उसमें एक खंड ये भी है कि जो राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं, और लोकसभा जो है सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आर्टिकल 75 में इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 356 जो है दोस्तों, इसमें जो है अगर राज्य स्तर पे जो है अगर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अगर काम नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में जो है 356 आर्टिकल वहां लगाया जा सकता है, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से आप जानते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है स्पीकर और उपराष्ट्रपति बारी बारी से। दोस्तों, पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता स्पीकर करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 कहता है कि ज्वाइंट सेशन को राष्ट्रपति बुलाएगा, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 118 सबसेक्शन 4 कहता है कि स्पीकर ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा जाता रहा है एग्जाम में कि अगर स्पीकर अब्सेंट हो तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों, अगर स्पीकर अब्सेंट हो तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट हो तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन भी अनुपस्थित हो तो दोनों सदनों के सहमति से संसद का कोई भी सदस्य जो है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों, अब तक ज्वाइंट सेशन में 3 बिल पास किए गए हैं। पहला बिल था दहेज रोकथाम विधेयक, इसको दहेज प्रतिषेध विधेयक भी कहते हैं, जो 1961 में पास हुआ था। दूसरा था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, जो 1978 में पास हुआ था। और तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 में पास हुआ था। दोस्तों, चौथा बिल जो था, जो लाया गया ज्वाइंट सेशन में, वो था बिल फॉर वुमेन रिजर्वेशन 2008, जो पास नहीं हो पाया। दोस्तों, आर्टिकल 118 जो है यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी कि वह ज्वाइंट सेशन की प्रक्रिया का नियम स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से राय लेकर बनाए। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का विश्लेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यों के जो राज्यपाल हैं वे भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हुआ। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं
यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट, ये दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट यानी कि संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके सहमति लेकर जो है प्रेसिडेंट नियुक्ति इनकी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हुआ और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हुआ। और उपराष्ट्रपति का दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य जो है निर्वाचक मंडल के रूप में भूमिका निभाते हैं और इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्त नहीं करता, तो डी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए नंबर सही है, बी नंबर सही है और सी नंबर सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी क्वेश्चन नंबर 5 का सही होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने के कारण राष्ट्रपति राज्य में अपना शासन लगा देते हैं? द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल इन ए स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन ए है आर्टिकल 356, ऑप्शन बी है आर्टिकल 361, ऑप्शन सी है आर्टिकल 371 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 379। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 यह प्रावधान करता है कि अगर किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक वहां की राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य किसे प्राप्त है? हु ऑफ द फ्लोइंग एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है फजल अली। दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य जिसे प्राप्त है उनका नाम है जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत पद पे रहते हुए हो गया, तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर जाकिर हुसैन ही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल निम्न में से किसका अकाउंट नहीं ऑडिट करते हैं? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ, ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है सरकारी कंपनियां, ऑप्शन सी है नगर निकाय और ऑप्शन डी है यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से लेकर 151 जो है उसके बारे में बताता है। दोस्तों आर्टिकल 148 के तहत सीएजी के पोस्ट के बारे में बात की गई है और इसके कार्यों जो उसके विभिन्न दायरे हैं काम करने के, इन सबका जो सामंजस्य है वो 148 से लेकर 151 में स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होता है वह राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां और यूनियन गवर्नमेंट के ऑडिट करते हैं, नगर निकायों का ऑडिट नहीं करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोकसभा का विघटन उसके सामान्य कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही हो गया और उसके निर्धारित तिथि से पहले दोबारा चुनाव हुए? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा वाज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म एंड फ्रेश इलेक्शन हेल्ड बिफोर द ड्यू डेट? ऑप्शन ए है तीसरी लोकसभा, ऑप्शन बी है चौथी लोकसभा, ऑप्शन सी है पांचवी लोकसभा और ऑप्शन डी है छठी लोकसभा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1952 में आयोजित किया गया और 1952 में कांग्रेस जो है जीती और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री के रूप में 1964 तक रहे, 27 मई 1964 तक जब उनका देहांत हो गया उस समय तक वह प्रधानमंत्री के पद पे बने रहे। इसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी आए जो 1966 तक रहे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1952 से 1957 तक लोकसभा का पहला कार्यकाल है और 1957 से लेकर 1962 तक लोकसभा का सेकेंड कार्यकाल है और दोस्तों 1962 से लेकर 1967 तक लोकसभा का
तीसरा कार्यकाल था जिसमें 1962 से लेकर 1964 तक नेहरू ही थे और 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। दोस्तों 1966-67 के बीच लाल बहादुर शास्त्री की जब 1966 में मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी पद जो है प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो गई। इसके बाद दोस्तों 1967 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद 1967 से लेकर 1971 तक जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। लेकिन दोस्तों जो चौथी लोकसभा थी 1967 से लेकर 1972 तक थी, लेकिन ये 1971 में ही भंग हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों चौथी लोकसभा ऐसी लोकसभा थी जो समय से पहले भंग हो गई थी और यही पहली लोकसभा थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन बी है, राज्यपाल सदैव केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी है, राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेचर का अभिन्न अंग है। और ऑप्शन डी है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल सदैव केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सदैव वह एजेंट के रूप में काम करेगा। और आप जानते हैं कि राज्यपाल के पास कुछ विवेका अधिकार जो उसके विवेक के अधिकार में आती हैं, उस प्रकार की भी शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि राज्यपाल सदैव केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राज्यपाल के संदर्भ में गलत है। राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेचर का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। दोस्तों जिस प्रकार केंद्र स्तर पे जो राष्ट्रपति है वह संसद का अंग है, उसी प्रकार राज्य स्तर पे जो है राज्य स्तर का जो विधानमंडल है राज्यपाल उसका अंग है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ। तो ए और सी जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही होंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों टारगेट विद नीतीश के द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि BHU से संबंधित किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस एपिसोड को कंटिन्यू रखा जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और बताइए कि क्यों कंटिन्यू रखा जाए, आपको कितने प्रश्नों का सेट चाहिए एपिसोड के माध्यम से। तो दीजिए इजाजत दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुविदा, नमस्कार।